सब्सक्राइब कीजिए ओनली टेक लाइफ सेट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को सबसे पहले टेक्निकल वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने व्हाट्सएप में बिना चैटिंग हिस्ट्री गवाए आप नया नंबर कैसे चेंज करेंगे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि व्हाट्सएप पे नंबर चेंज करने के लिए वो पहले व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करते हैं और उसके बाद इंस्टॉल करते हैं और तब मोबाइल नंबर डालकर वो अकाउंट बनाते हैं। तो इससे होता क्या है कि उनका चैटिंग हिस्ट्री, जो ग्रुप का चैटिंग हिस्ट्री होता है और पर्सनल चैटिंग हिस्ट्री होता है, वो क्लियर हो जाता है। तब वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि वो किन से क्या चैटिंग किए थे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल नंबर भी चेंज हो जाए और चैटिंग हिस्ट्री भी ख़त्म ना हो तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आप अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लीजिए। तो चलिए हम व्हाट्सएप को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ मेरे फ्रेंड है उसके साथ चैटिंग हुआ है और ये ग्रुप हो गया, इसमें कुछ मैसेज वगैरह हैं। और अब आपको नंबर चेंज करने के लिए बताते हैं। तो नंबर चेंज करने के लिए आप सबसे ऊपर राइट साइड में 3 डॉट है, उस पर टच करना है आपको। तो चलिए 3 डॉट पर टच करते हैं। इसके बाद सेटिंग में जाना है और इसके बाद अकाउंट पर टच करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको चेंज नंबर दिखाई पड़ रहा है तो आपको चेंज नंबर पे टच करना है और फिर सबसे नीचे नेक्स्ट है उस पर टच कर देना है और यहाँ पे ओल्ड फ़ोन नंबर और न्यू फ़ोन नंबर डालना है। तो ओल्ड फ़ोन नंबर ये हो गया जिससे अभी आपका व्हाट्सएप चल रहा है और न्यू फ़ोन नंबर जो आप नया मोबाइल नंबर ऐड करना चाहते हैं। तो चलिए हम अपना ओल्ड फ़ोन नंबर यहाँ पर डाल लेते हैं और यहाँ पर नया फ़ोन नंबर है वो डाल लेते हैं। और ओल्ड फ़ोन नंबर और न्यू फ़ोन नंबर डाल देने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो चलिए हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे एक कुछ नोटिफाई कॉन्टेक्ट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा तो इसको आपको ऑन कर देना है। और ऑन कर देने के बाद ये ऑल कॉन्टेक्ट है, इसमें क्या होगा कि अगर आप नेम चेंज करेंगे तो आपके व्हाट्सएप पर जितने भी सारे कॉन्टेक्ट हैं सब पे नोटिफिकेशन चल जाएगा कि ये नंबर चेंज कर लिए हैं। और ये सेकंड जो है कॉन्टेक्ट आई हैव चैट विथ, तो इसमें क्या होगा कि आप जिस जिस से चैटिंग कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं के पास नोटिफिकेशन जाएगा और कस्टम में आप जिनको जिनको चूज कीजिएगा उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए हम सेकंड वाला रहने देते हैं, कॉन्टेक्ट आई हैव चैट विथ, यानी जिनसे चैटिंग की है उनके पास सिर्फ नोटिफिकेशन जाएगा। तो इतना करने के बाद फिर आपको डन पे क्लिक कर देना। तो चलिए डन कर देते हैं और इसके बाद जो आप नया नंबर ऐड किए हैं उस पर 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड जाएगा। तो चलिए हम वेट कर लेते हैं कोड का। तो मेरे दूसरे नंबर पे 6 डिजिट का कोड आ गया है तो चलिए हम उसको डाल देते हैं 7347343888388। तो कोड डालने के बाद ये ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो फ्रेंड के साथ चैटिंग था वो सब भी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर भी चेंज हो गया है। तो इस तरह आप भी अपने व्हाट्सएप में चैटिंग हिस्ट्री डिलीट हुए बिना आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर कोई सवाल सुझाव होगा तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।